लोगों अपने परवरदिगार से आजीजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी ना करना और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हांक देते हैं, फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो।